हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे आपके एचपी में जो है कमीशन आने वाला है टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल, और आपका जो है जेबीटी का भी आ रहा है। तो उसके लिए जो है हम साइकोलॉजी का सेक्शन जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो है आपकी पहली वीडियो है साइकोलॉजी की। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सिलेबस में जो है हम डेवलपमेंट, लर्निंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, जो आर्टिकल्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो करेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, लॉज ऑफ लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, मोटिवेशन, सोशलाइजेशन, लैंग्वेज इवेल्युएशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और जो है आपका रह गया टीचिंग एप्टीट्यूड। तो बस ये कुछ जो है चैप्टर्स हैं। स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी जो है इसमें आती है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहली वीडियो है। जो नए हैं, आपके पहली बार चैनल पे विज़िट किया है, वे जो हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको आ जाए, और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें हैं जो भी आपका तैयारी कर रहे हैं आपके कमीशन की। तो एग्ज़ाम आने वाला है, तो जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वे तैयारी शुरू कर दें। तो आज जो है सबसे पहले हम जो है डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसमें जो है कुछ थ्योरीज़ हैं डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम करेंगे जो आप देख रहे हैं वाइगोट्स्की की थ्योरी। तो बाकी थ्योरीज जो हैं मैं डेली की वीडियोस डालता जाऊंगा, और ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो जिसको कुछ समझ ना आए वो कमेंट कर सकते हैं, और या जो है मेरी आवाज़ पे जो है ज़्यादा ध्यान दें। तो ऐसे तो पहले प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो है करने थे, लेकिन जो है मैं सोच रहा हूँ इसको जो है पहले शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वाइगोट्स्की जो है इन्होंने जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। तो इसमें जो है कोई भी स्टेजेस नहीं है, ओनली कंसेप्ट्स हैं। आप जो है नोट्स अपनी कॉपी पे बना लें। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही बन जाता है कि सोशियो कल्चर थ्योरी जो है किसने दी थी, वाइगोट्स्की ने, और जो है ये आपकी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। स्टार लगा है इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जो है वाइगोट्स्की जो है इसने किस चीज़ को इग्नोर किया था, तो इसने जो है कम्प्लीटली आपकी जो है हेरिडिटी को इग्नोर किया था। मतलब कि जो है इसके अनुसार जो है डेवलपमेंट में जो है हेरिडिटी का कोई रोल ही नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ चुका है, तो अभी भी आ सकता है कि हेरिडिटी का जो है कॉन्सेप्ट किसने इग्नोर किया है, तो वो है वाइगोट्स्की। इसमें जो है सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज का। तो इसने क्या कहा था कि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट एंड देन थॉट्स। तो इसका जो कहने का तात्पर्य ये है कि लैंग्वेज पहले आई थी और उसके बाद जो है लैंग्वेज जो है पहले आती है और उसके बाद जो है आदमी सोचना शुरू करता है। लेकिन जो है इससे बिल्कुल अपोजिट जो है पियाजे ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं होता है, पहले जो है थॉट्स आते हैं उसके बाद जो है आदमी लैंग्वेज सीखता है। तो बस सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, इनको जो है एज ए पॉइंट आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया था इसने कल्चर का कि कल्चर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, जो कल्चर जो है प्रभावित करता है आपकी डेवलपमेंट को। तो ये तो सही बात है, जो है कल्चर से ही जो है आदमी सीखता है। जैसे कल्चर में आदमी रहता है वैसे कल्चर में जो है आदमी डेवलपमेंट जो है उसकी होती है, एक पर्सन की, बच्चे की। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट स्कैफोल्डिंग। तो इस पर स्टार लगा है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्कैफोल्डिंग का जो है मतलब होता है हेल्प करना, हेल्प, असिस्टेंस, गाइडेंस या कोचिंग। जैसे गाइडेंस होगी, जैसे जो है आप वीडियो के जरिए जो है गाइडेंस ले रहे हैं या किसी की हेल्प ले रहे हैं,
तो जो है टर्म सीधा आ जाता है आपका, क्वेश्चन बनता है इसका कि स्कैफोल्डिंग क्या चीज़ है। नेक्स्ट है आपका जेडपीडी, तो इसकी जो है फुल फॉर्म आपने याद रखनी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका जो मतलब है वो है द गैप बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो जो है आपकी जो है जो गैप रहता है, जैसे कि आपकी डेवलपमेंट हो रही है, मान लो आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लो आपको 50% आता है और आपको पहुंचना है आपके 100% पे। तो इसमें जो है जो गैप है, तो 50% का गैप है, जो मतलब मान लो आपको 70% आता है और 100% पे जो है आपने पहुंचना है, तो इसमें जो गैप है वो है 30% का। तो जो 30% गैप है उसको बोलते हैं जेडपीटी। और जो कंप्लीट करने में जो हेल्प करता है वो होता है स्कैफोल्डिंग। तो इन दोनों टर्म्स में जो है कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो गैप होता है वो होता है जेडपीडी, और जिसको गैप को कंप्लीट करने के लिए जो आप हेल्प लेते हैं किसी की, उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट है आपका MKO। तो ये भी जो है आपका, इसकी फुल फॉर्म जो है पेपर में आ जाती है, तो ये आपने याद रखनी है मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसमें जो है हेल्प करने वाले के बारे में बताया जाता है। तो इसमें जो है हेल्प करने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे गैजेट जो आप जो है मोबाइल पे या लैपटॉप कहीं भी यूट्यूब से जो है वीडियो देख रहे हैं, तो गैजेट, या आप किसी बच्चे से सीख सकते हैं, चाइल्ड और एडल्ट और एनीवन। तो MKO कौन हुआ आपका, हेल्प करने वाला। ZPD क्या था आपका, जो गैप होता है, और स्कैफोल्डिंग क्या है, वो एक हेल्प है। तो MKO जो है आपके हेल्प करने वाला है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच में जो है, इसमें जो है सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो है बताया गया है। तो इसमें जो है स्वयं को दिशा निर्देश, यानी जो है खुद को जो है आप जो है क्या करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, और उस तरह से जो है खुद को जो है आप डायरेक्शन देते हैं कि हमें जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस तरह से भी जो है डेवलपमेंट होती है। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरी है वाइगोत्स्की की। इसमें जो है कुछ भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही आपने पढ़ना है, कुछ ज़्यादा रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, सॉरी पियाजेज थ्योरी, जिसको हम कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं। कॉग्निटिव मतलब आपका जो है रिलेटेड टू माइंड होता है। तो पियाजे जो है आपके माइंड की बात करेगा। तो इसमें जो है कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू माइंड या इमोशंस, वैल्यूज, फीलिंग्स। नेक्स्ट है अफेक्टिव, हाउ पीपल लर्न। तो अफेक्टिव का मतलब है कि जो है पीपल कैसे सीखते हैं, या जो है डेवलपमेंट कैसे होती है। नेक्स्ट है साइकोमोटर। साइकोमोटर आपको पता ही है, एक्टिविटी, डूइंग, जो भी हम जो है क्रियाकलाप करते हैं। तो इसमें जो है इसने दिया था आपका एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दिया था और एक कॉग्निटिव फंक्शन दिया था। ये अभी कुछ पॉइंट्स हैं, अभी थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसने जो है कहा है कि जो डेवलपमेंट होती है वो जो है छोटे छोटे, सॉरी, जो नॉलेज जो है आदमी में आता है जिसके ज़रिए डेवलपमेंट होती है, वो जो है छोटे छोटे पैकेट्स के जरिए आती है, जिन्हें हम स्कीमा कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि स्कीमा जो है क्या है। तो उसमें पूछ लेंगे कि आपका जो है स्कीमा का मतलब क्या है, तो वो है इंफॉर्मेशन या नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और कॉग्निटिव फंक्शन में जो है इसने दो टर्म्स दिए, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम। और एडेप्टेशन को जो है डिवाइड किया है असिमिलेशन और एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो है आपका होता है मॉडिफाई, लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही होगा सभी को, जो है बैलेंस। और जो है असिमिलेशन, इसमें जो है टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज असिमिलेशन, कि जो आपका जो है इन्फॉर्मेशन जो आपको पता है पहले से, उसमें जो है, और जो है एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो है आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसमें और इन्फॉर्मेशन जो है क्या करनी है, डालनी है, तो उसको बोलते हैं असिमिलेशन। और एकोमोडेशन होता है मॉडिफाई, आपके जो है
स्कीमा या अपने नॉलेज को जो है मॉडिफाई करना। तो ये डिफरेंस है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में। इक्विलिब्रियम नॉर्मल है, इसके बारे में पूछते भी नहीं हैं। तो एकोमोडेशन जो है टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्कीमा फॉर फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो एकोमोडेशन होता है आपका मॉडिफाई करना इन्फॉर्मेशन को, या एग्जिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है आपस में जो है मॉडिफाई कर देना, ताकि जो है आप नई इन्फॉर्मेशन जो है फिट कर सके। तो दोनों में जो है न्यू इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सेम है, लेकिन जो है याद रखना है अपने एकोमोडेशन में जो है मॉडिफाई आता है, और एसिमिलेशन में जो है सिंपल आपका इन्फॉर्मेशन फिट करनी है एग्जिस्टिंग स्कीमा के ऊपर। बैलेंस आपको इक्विलिब्रियम पता ही है। तो नेक्स्ट है, सबसे पहले स्टेज वन करेंगे। इसमें जो है ये आपने डायरेक्ट याद रखनी है कि सेंसरी मोटर स्टेज कहाँ से कौन सी एज तक होती है, 0 से 2 साल तक इन्फेंसी। तो इसमें जो है क्या नहीं होता है आपका, नॉट लैंग्वेज ओनली सिंबल्स एंड साइंस। तो 0 से 2 साल तक जो है बच्चा लैंग्वेज को नहीं समझता है, सिर्फ साइन को समझता है या सिंबल्स को समझता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉज इफेक्ट, इट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो जो है आपकी डेवलपमेंट जो है ये जो है कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट लाइफ। आपको पता ही है जो है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको डिफरेंस पता ही होगा, ग्रोथ जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू रहती है आपकी थ्रू आउट लाइफ। तो क्वेश्चन बन सकता है सिंपल कि कौन सी चीज़ जो है कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट लाइफ, तो वो है आपकी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है सेंट्रेशन। तो सेंट्रेशन क्या होता है, 0 से 2 ईयर्स के बच्चे में जो है सेंट्रेशन का क्या रोल है। तो इसका है शेप, मतलब कि 0 से 2 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता है कि वो चीज़ एप्पल है कि बॉल है। वो जो है गोल गोल चीज़ को जैसे एप्पल को बॉल समझ लेगा या बॉल को एप्पल समझ लेगा, मतलब हर गोल चीज़ को जो है अगर आपने उसको जो है दिखा दिया है कि ये बॉल है या एप्पल है, तो वो हर गोल चीज़ को जो है वही समझेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मूव्स फ्रॉम अनकोऑर्डिनेटेड टू कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस। तो इसमें कुछ नहीं है, जो है आपकी डेवलपमेंट जो है अनकोऑर्डिनेटेड टू कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस पे होती है। नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, द थिंग एग्जिस्ट ओनली इफ द चाइल्ड इज एबल टू सी इट। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चा जो है वही चीज़ पे बिलीव करता है जो उसको दिख रहा है। जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ बच्चे के सामने रखी तो वो खुश हो जाता है, और जैसे छुपा दी तो उसको पता नहीं है कि वो आपने ऑब्जेक्ट छुपा दी, लेकिन उसे जो है ऐसा लगेगा कि वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, मतलब कि वो अभी जज नहीं कर पाता है कि जो है आपने चीज़ छुपाई है कि मतलब वो आपके पास ही है लेकिन आपने छुपाई है। उसको लगता है कि ये है अभी, चीज़ है और जब छुपाओगे तब चीज़ नहीं है, तो ये जज नहीं कर पाता कि चीज़ यहीं पे है बस आपने छुपाई है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऊपर जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल एज, ये है 2 से 7 साल तक। ये आपने एजिस जो है सबकी याद करनी है। इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपकी वोकेबलरी कौन सी स्टेज पर आती है। तो उसका आंसर होगा प्री ऑपरेशनल या आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो है कौन सी स्टेज पे आती है। तो डायरेक्ट जो है उसका आंसर होगा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनिमिज्म। तो एनिमिज्म मतलब नो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बच्चे को जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में पता नहीं चलता है, तो आपका जो है आ सकता है कि एनिमिज्म का मतलब क्या है। तो जो है इसमें जो है नो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जो है ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि एनिमिज्म जो है किस में आता है, तो याद रखना है आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिसेंट्रेशन। तो एबिलिटी टू कंसीडर मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। तो अब जो है बच्चा 2 से 7 साल के बीच में जो है डिसेंट्रेशन, मतलब उसको एबिलिटी, मतलब वो सक्षम हो जाता है मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। एक ही सिचुएशन के जो है मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, जैसे आपको अभी बताया कि जो है अब वो समझ जाएगा कि आपने जो है चीज़ छुपा ली है, मतलब चीज़ वहीं पे है और जो है चीज़
छुपा लिया, मतलब वो जो एक सिचुएशन मल्टीपल सिचुएशन को जो है कंसिडर कर लेगा कि आपने ऐसा ऐसा किया है। नेक्स्ट है ईगो सेंट्रिंग, मतलब अटेंशन सीकर, ये जो है सबको पता ही होगा। ईगो सेंट्रिक मतलब जो है अभी जो है उन्हें अपनी तरफ अटेंशन, मतलब सभी जो है उन्हीं पे ध्यान दें, उन्हीं की बातों को सुने कि वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है नो कंजर्वेशन, नो कंजर्वेशन मतलब अमाउंट एंड क्वांटिटी को जज नहीं कर पाते, जैसे कि मतलब उनको अभी पता नहीं चलता है, जैसे आप छोटे गिलास में जो है दूध उनको पीने को दे रहे हो, तो जो है वो अगर फुल होगा, और बड़े गिलास में जो है आप आधा गिलास ही दूध का भरेगा, चाहे दूध बराबर ही हो, तो उन्हें वो छोटा गिलास जिसमें जो है फुल दिख रहा है वही जो है ज़्यादा लगेगा, तो वो अभी जो है क्वांटिटी को जज नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि जो ये हाँ चाहे बड़ा ही गिलास हो लेकिन दूध कम है तो दैट्स ओके, वो कम है उन्हें वैसा लगता है, तो इसमें जो है क्वांटिटी को जज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मेक बिलीव प्लेस, तो जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना, जैसे टीचर टीचर बच्चे खेलते हैं 2 से 7 साल के बीच में, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सिंबॉलिक एक्टिविटीज़, नेक्स्ट पॉइंट है इलॉजिकल, मतलब लॉजिकल नहीं सुनते हैं, हर कुछ ही सोचते हैं, मतलब इमेजिनरी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं 2 से 7 साल के बच्चे, और ग्रोथ ऑफ सिंबॉलिक एक्टिविटीज जो है सिंबल्स जो है धीरे धीरे सीख जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो ये है 7 से 11 के बीच, तो इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है लॉजिकल थॉट्स, मतलब जो है बच्चा जो है 7 से 11 साल का बच्चा जो है लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन, तो अब जो है बच्चा अमाउंट और क्वालिटी क्वांटिटी में जो है जज करने लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है दूध ज़्यादा है यहाँ पे कम है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट रिवर्सिबिलिटी, मतलब अब जो है रिवर्सिबिलिटी जो है सीख जाता है कि आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, भी आइस से ही वाटर बनता है और वाटर से आइस बनता है, तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, रिवर्सिबिलिटी कौन से स्टेज पे आती है, तो आपको आंसर देना होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो इनको जो है सारा ये इंपॉर्टेंट ही है, इनको जो है आप डायरेक्ट याद कर लें। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सिरेशन, मतलब अरेंजमेंट डिसेंडिंग असेंडिंग जो है बच्चा सीखने लग जाता है इस एज में। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी, मतलब अगर ए बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ऑटोमेटिकली जो है ए बड़ा है सी से, तो ये चीज़ भी जो है बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक, अब जो है वो अटेंशन सीकर, मतलब ईगोसेंट्रिक उसको जो है अपनी अटेंशन नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ये जो है 11 के बाद होती है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पेपर में जो है डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है कौन से उसमें होता है, तो वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आपको पता ही है, क्रिएटिविटी जो है 11 के बाद जो है बच्चे क्रिएटिविटी शुरू कर देते हैं, यानी मतलब क्रिएटिव दिमाग हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तो हाइपोथेटिकल मतलब जैसे मैथ्स आप लेट अस अज्यूम वाले क्वेश्चन की मान लो जो है इसमें ऐसा है, तो रीजनिंग जो है हाइपोथेटिकल, मतलब अज्यूम करने लग जाते हैं कि पहले जो है बच्चे को जो है दिखाना पड़ता है कि हाँ एग्जांपल के थ्रू कि हाँ ये 4 बॉल है, ये 3 बॉल्स हैं, इनको ऐड करना है तो 4 और 3 7 हो जाएंगे एक्चुअल में, लेकिन जो है अज्यूम करके बाद में जो है बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो जो है हमारे पास इतने सेब हैं, हमारे पास इतने हैं, इनको ऐड करना है, तो अज्यूम करके हो जाता है, तो इस टाइम जो है हाइपोथेटिकल रीजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट है डिडक्टिव थिंकिंग, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, तो बच्चा जो है जनरल टर्म से जो है स्पेसिफिक थोड़ा अलग हटकर सोचने लग जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब सोच समझकर बोलना, अब जो है बच्चा सोच समझकर बोलना शुरू कर देता है कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है। नेक्स्ट है इंटर प्रोपोर्शनल लॉजिक, टू जज योर स्टेटमेंट एज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ इट इज़ ट्रू और नॉट, तो इसका मतलब है जो सिलॉग्स होते हैं, जैसे हम सिलॉग्स करते हैं आप रीजनिंग में करते हैं कि कुछ बिल्लियाँ एनिमल हैं, या जैसे जैसे क्वेश्चन आपको पता ही होगा जो रीजनिंग जिन्होंने देखी है पढ़ी है, आपका रीजनिंग का सेक्शन भी है TGT और इसमें JBT, तो जो है उससे जो है आपको पता ही होगा सिलॉग्स क्या होते हैं।
तो उस हिसाब से जो है अब जो है सिलॉग्स के बारे में भी बच्चा समझने लगता है। तो बस ये थी स्टार्टिंग की दो थ्योरीज, आप जो है पॉइंट टू पॉइंट लिख लें, नोट कर लें, और जहाँ समझ नहीं आए वहाँ पे जो आप कमेंट ज़रूर करें। और इससे जो है ये इन वीडियो से जो है आप JBT HPTET मतलब जो टैट आने वाला है उसके लिए भी ये हेल्पफुल है, और TGT आर्ट्स हो चाहे साइंस हो सबके लिए TGT PGT और CTET वगैरह हर चीज़ के लिए जो ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।